Why do we need to know about cervix cancer? I will tell you why. 1 in 52 women in India are affected each year by cervix cancer. पूरे वर्ल्ड में जितने भी कैंसर सर्विक्स के केसेस पाए जाते हैं उसमें से एक चौथाई भाग भारत के मरीजों का होता है जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है. इंडिया में कैंसर सर्विक्स इज कंसीडर्ड एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. आंकड़ों की बात करें तो हर साल 1,22,000 औरतें सर्विक्स कैंसर से ग्रस्त होती हैं जिसमें से 67,000 औरतों को इस बीमारी की वजह से ज़िंदगी से हाथ को बैठना पड़ता है. दीज आर दी रीजन्स वाई वी नीड टू नो अबाउट इट. किन किन को हो सकती है बीमारी? एवरी फीमेल हु इज़ मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से ज़्यादा जिसकी भी उम्र है, दैट फीमेल इज हैज़ अ रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग कैंसर सर्विक्स. कितना कॉमन है? इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर फाउंड इन द वुमेन. एज, मोर देन 15 ईयर्स ऑफ गर्ल हैज़ चांसेज ऑफ डेवलपिंग कैंसर सर्विक्स. रिस्क फैक्टर्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है HPV. HPV नाम का एक वायरस जिसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सर्विक्स कैंसर. अ फीमेल हैविंग मैनी सेक्शुअल पार्टनर इज एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग HPV इन्फेक्शन. पहले बात करेंगे HPV इन्फेक्शन किस में हो सकता है, क्योंकि जिस महिला को भी HPV इन्फेक्शन होगा दे आर ऑटोमेटिकली एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर सर्विक्स, क्योंकि कैंसर सर्विक्स मेजरली HPV इन्फेक्शन की वजह से होता है. अर्ली सेक्शुअल एक्टिविटी, जिन लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है लाइक 15-16 साल की उम्र में, दे आर एक्सपोज अर्ली टू द सेक्शुअल एक्टिविटी, दे आर एट अ हाई रिस्क. अदर STD इन्फेक्शंस लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गोनोरिया, क्लेमाइडिया, एड्स, HIV. अगर किसी को पहले से ही STD इन्फेक्शन है तो उसको और भी ज़्यादा हाई चांस होता है HPV इन्फेक्शन मिलने का. फोर्थ, वीक इम्यून सिस्टम, कि जिनका इम्यूनिटी कम होती है, जिसमें बोलते हैं कि बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है, उनको हाई रिस्क होता है HPV इन्फेक्शन का. फिफ्थ एंड द लास्ट, स्मोकिंग. यस, स्मोकिंग ऑल्सो पोजेज अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग HPV इन्फेक्शन. इन सब रिस्क फैक्टर्स जिस भी महिला में होंगे उनमें ऑटोमेटिकली हाई रिस्क हो जाता है HPV इन्फेक्शन का. बट देर आर ऑलवेज सम अननोन कॉजेज जिनसे HPV इन्फेक्शन हो सकता है, एंड दस इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर सर्विक्स. तो हर महिला, दे शुड बी वेल अवेयर दैट दे शुड हैव टू गेट स्क्रीनिंग फॉर इट. इंडिया में स्क्रीनिंग काफ़ी सालों पहले शुरू हुई थी, बीमारी को उसकी सबसे लोवेस्ट स्टेज पे डिटेक्ट करने की कोशिश करना, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में या हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में. हाई रिस्क मतलब जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, जिन भी इंडिविजुअल्स में ज़्यादा रिस्क फैक्टर होंगे उनमें स्क्रीनिंग जनरली की जाती है. स्क्रीनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है? पैप स्मियर टेस्ट. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट, बट पैप स्मियर टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सिंपल इन्वेस्टिगेशन विच कैन डिटेक्ट सर्विक्स कैंसर. बट स्टिल पीपल डोंट डू इट. मोस्टली रूरल पॉपुलेशन में ये कैंसर पाया जाता है, बट दैट डजेंट मीन कि अर्बन पॉपुलेशन में नहीं मिलता. मैंने अपने करियर में मोस्टली ओरल कैंसर्स एंड सर्विक्स कैंसर्स ही देखे हैं मैक्सिमम नंबर में, एंड ब्रेस्ट ऑफ कोर्स. तो साउथ इंडिया में एक स्टडी कंडक्ट हुई थी रूरल पॉपुलेशन में, जिसमें 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन को आइडिया था पैप्समियर टेस्ट के बारे में. एग्जैक्टली नॉट अबाउट पैप्समियर टेस्ट, बट दे न्यू कि कोई एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे सर्विक्स कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है. बट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु हैड गेट द टेस्ट डन वॉज ओनली 2%. वाई द परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग पैप्समियर टेस्ट इज सो लो? फर्स्ट, सोशल स्टिग्मा. कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो ब्रेस्ट से रिलेटेड होती है या सर्विक्स से रिलेटेड होती है, वुमेन आर शाई टू टॉक अबाउट इट. लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें पता नहीं होता कि सिम्टम्स क्या क्या हैं जिसके लिए हमें ये टेस्ट करवाना है. 3, दे डोंट नो वेयर टू गो टू गेट द टेस्ट डन. 4, एंग्जाइटी कि टेस्ट कहीं पेनफुल तो नहीं होगा. एम्बेरसमेंट, दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज. बट इफ़ वी एजुकेट आर सेल्फ एंड इफ़ वी एजुकेट आर फैमिली रिगार्डिंग दिस,
we can save lot of lives. Lot of means I am talking about thousands in number. क्या होता है इस टेस्ट में, कैसे होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द प्रिवेंशन. प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, यूज ऑफ बैरियर मेथड्स लाइक कॉन्डम, इट प्रिवेंट्स HPV इन्फेक्शन एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एंड हैविंग फ्यूअर सेक्स पार्टनर्स, दैट इज लेस सेक्स पार्टनर्स, ऑल्सो प्रिवेंट्स रिस्क ऑफ हाई HPV इन्फेक्शन. वैक्सीनेशन HPV के अगेंस्ट, कई सालों पहले हमारे भारत में भी वैक्सीन अवेलेबल है गार्डसिल या सर्विक्स के नाम से, जो कि 9 साल से 26 साल की महिलाओं को लगाई जानी चाहिए, या फिर व्हेन बिफोर अ वुमेन इंडल्जेस इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी, इस वैक्सीन को लगवाने से HPV इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एडवाइस पेप्समियर टेस्ट मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज और आफ्टर अ वुमेन बिगिंस हर सेक्सुअल एक्टिविटी. ये रूटीन पेप्समियर एग्जामिनेशन, वेन एवर अ फीमेल स्टार्ट्स हर सेक्सुअल एक्टिविटी, आफ्टर दैट रेगुलर रूटीन पेप्समियर एग्जामिनेशन शुड बी डन. कहाँ हो सकता है? किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास. हर गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेप्समियर की सुविधा होती है, जिनको आप रूटीन एग्जामिनेशन के लिए बोलेंगे तो पेप्समियर टेस्ट दे विल डेफिनेटली. क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? अर्ली सर्विक्स कैंसर में मोस्टली कोई सिम्टम्स नहीं होते, सिम्टम्स, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट ट्रीटेड. एंड हाउ यू विल नो? बाय द स्क्रीनिंग मेथड्स. लेट सर्विक्स कैंसर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं? फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग. वट इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग? ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड्स, एंड ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज. मेनोपॉज आई होप सब जानते हैं, 45-50 ईयर्स फीमेल में जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं उसे मेनोपॉज कहते हैं. इन तीनों कंडीशन में कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग लगती है, जो कि हर महीने रेगुलर जो पीरियड्स हो रहे हैं उसके अलावा होती है, दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ सर्विक्स कैंसर. सेकेंड, डिस्चार्ज, वॉटरी ब्लडी वजाइनल डिस्चार्ज, दैट मे बी फाउल स्मेलिंग. पेल्विक पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, या फिर पेन ड्यूरिंग सेक्स, ये भी सर्विक्स कैंसर के सिम्टम्स में होता है. जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है तो इसका मतलब घबराने की बात नहीं है कि मुझे कैंसर हो गया है. नो, ये कॉमन इन्फेक्शंस में भी होते हैं, बट वो इन्फेक्शन से और कैंसर से डिफरेंशिएट करने के लिए ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. पेप्समियर टेस्ट कैसे किया जाता है? डॉक्टर आपकी वजाइना में एक वजाइनल स्पेकुलम डालते हैं, उसके बाद कुछ सेल्स का सैंपल लिया जाता है सर्विक्स में यूजिंग अ स्मॉल कोन या फिर एक छोटा ब्रश और एक छोटा लकड़ी का स्पैचुला, जिससे कि आपकी वजाइनल वॉल से और सर्विक्स से कुछ सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद उसको फिक्स किया जाता है, एंड देन द पेप्समियर टेस्ट इज़ डन. पेप्समियर टेस्ट मोस्टली प्री कैंसरस कंडीशन ऑफ द सर्विक्स को बताने के लिए किया जाता है. प्री कैंसरस मतलब कैंसर पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, बट येस उसके साइंस डेवलप हो गए हैं. दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट ट्रीटेड. एंड मैं आपको बता दूँ, अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसकी मोर्टैलिटी बहुत कम हो जाती है, लाइक स्टेज 1 डिजीज़ में. आई पर्सनली नो माई आंट, जिनका 6-7 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, एंड शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ. मौत को मात देनी है तो मौत को ज़िंदगी जी कर दिखाओ. इसी सोच के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी अपने आप को एजुकेट करते रहेंगे. आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हम सर्विक्स कैंसर के केसेस को कम कर सकें, उन्हें अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकें और कैंसर को मुंहतोड़ जवाब दे सकें. प्लीज़ कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरीज है. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी सर्विक्स कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में. And if you like my video, please hit the like button, share and subscribe, and hit the bell icon. This is Dr. Kavita signing off. Thank you.